Good morning, students. I hope all are you fit and fine. Students, today we start our chapter number 2 in social studies, history. About the kings we discuss today. First king is the Palas, यानी कि जो पाला डायनेस्टी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला. ये जो डायनेस्टी है वो गोपाला के द्वारा फाउंड की गई थी इन एनो डोमिनी 750 में. और इसके अंडर में जो एरिया था वो अब हमारा प्रेजेंट में जो बिहार है, झारखंड एंड कंप्लीट बंगाल जो है वो गोपाला के अंडर में आता था पाला डायनेस्टी में. इसका धर्मपाला एक अनदर रूलर था इस डायनेस्टी का. दिस डायनेस्टी मोर पावरफुल, और ये जो पाला डायनेस्टी थी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी. ही ऑल्सो रूल्ड ओवर कन्नौज फॉर ए ब्रीफ पीरियड. एक छोटे पीरियड के लिए गोपाला धर्मपाला ने कन्नौज पे भी रूलिंग की थी, जो कि एक मोस्ट पावरफुल प्लेस हुआ करता था उस टाइम कन्नौज. हिज सन देवपाला ऑल्सो पावरफुल. इनका जो धर्मपाला का जो बेटा था देवपाला, वो भी एक मोस्ट पावरफुल किंग उस टाइम में हुआ करता था. और जो एक हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको देख के धर्मपाला ने एक अपनी यूनिवर्सिटी बनाई, विक्रमशिला इन मगध. मगध में ये यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई. इन 12th सेंचुरी मिड रिप्लेस्ड इनटू सेना डायनेस्टी. 12th सेंचुरी के बीच में ये जो डायनेस्टी थी पाला डायनेस्टी, ये रिप्लेस हो गई थी सेना डायनेस्टी में. अब आइए हम पढ़ते हैं अबाउट द सेना डायनेस्टी. द सेनाज जो डायनेस्टी थी, इसका जो हेड और ग्रेटेस्ट जो किंग था उसका नाम था विजय सेना, और उसने रूल किया था, ही रूल्ड ओवर द एनोडोमिनी 1095 एंड 1158 में, यानी कि 1095 एनोडोमिनी से 1158 तक इन्होंने रूल किया. ही ब्रॉड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन बंगाल. बंगाल में इन्होंने शांति स्थापित की, और उसके बाद ये जो डायनेस्टी थी उसका एंड हुआ. और सेना डायनेस्टी के बाद नई जो डायनेस्टी आई वो थी गुर्जारा एंड प्रतिहाराज. गुर्जारा और प्रतिहाराज जो डायनेस्टी थी ये भी एक मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी. इस डायनेस्टी ने भी कन्नौज के ऊपर रूल किया था, और कन्नौज को अपनी मेन जो सेंटर था और उसको एक कैपिटल के रूप में इन्होंने चुना था प्रतिहाराज और गुर्जारा ने. रूल्ड ओवर राजस्थान, और इनका जो रूल किया था वो था राजस्थान. पूरे राजस्थान पे प्रतिहाराज का कब्जा था, और गुजरात पे भी प्रतिहाराज ने शासन किया था. इसका जो किंग था वो था किंग भोजा. इन्होंने रूल किया 46 ईयर्स, यानी कि 46 वर्ष तक प्रतिहाराज ने राजस्थान और गुजरात पे रूल किया. उसके बाद जो ये किंग भोजा था, इसकी डायनेस्टी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, और पीस एंड शांति प्रिय ये लोग थे किंग भोजा ने, और इसीलिए इन्होंने कन्नौज पे काफ़ी साल तक रूल किया था. तो ये डायनेस्टी चली थी एनोडोमिनी 836 टू 882 तक ये डायनेस्टी चली थी. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस.